दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। क्या है ये आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस वीडियो में हम यही आज जानने वाले हैं आपके साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डे बाई डे आप देख रहे हैं कि आपके युवाओं के लिए, आपके लिए अच्छे कदम यहाँ पर लाए जा रहे हैं आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा कि आपके मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा की गई कि जितने भी आपके जो युवा हैं आपके, सिर्फ अब मध्य प्रदेश के युवाओं को ही यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है सरकारी नौकरी में जो आपके। और अब यहाँ पे एक और जो आपका सिस्टम यहाँ पे लाया गया है आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, क्या है ये, तो चलिए देखते हैं वीडियो में आपके साथ। देखिए, आपने अगर न्यूज़ आपने देखा होगा आज का, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट ने आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के यहाँ पे गठन को मंजूरी दे दी है। अब क्या है ये, हम सब कुछ आज इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो आपके देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है यह भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए यहाँ पे जीवन यापन में आपकी आसानी होगी। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि केंद्र की जो आपकी नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में जो आपका समान पात्रता परीक्षा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के युवाओं को नौकरी मिलने में फ़ायदा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसमें क्या कहा गया कि बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अब ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ता है। तो उन्होंने इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। और इसे देखते हुए कैबिनेट ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का यहाँ पर निर्णय लिया है। तो ये आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें आपका यही होगा कि जो आपको सभी यहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग आपकी परीक्षाएं आपको देनी पड़ती थी। तो इसमें क्या होगा कि एक बार आपके एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका वो एक कार्ड बन जाएगा जिसमें कि आपके कुछ समय के लिए वो कार्ड उसकी आपकी जो वैलिडिटी रहेगी, जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर, तो इसमें वैलिडिटी दे दी जाएगी और उस टाइम तक आपको उसका अलग से एग्ज़ाम नहीं देना। जैसे कि आपको पता है कि सभी एग्ज़ाम जो होते हैं आपके 2 पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि प्री होगा फिर मेंस होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि SSC CGL हो गया, किसी भी आपके अगर हम बात करें, किसी भी संस्था की बात करें, सभी में आपके 2 स्टेप में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। तो ये जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करें तो आपका जैसे प्री वाला जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार इससे आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होगा इसमें आप क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, डायरेक्टली फिर आप वहाँ पर मेन्स का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ये सुविधा यहाँ पे लाई जा रही है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि आपके एक ही यहाँ पे एजेंसी हो जो आपके एग्ज़ाम की, और उसके द्वारा वहाँ पे कार्ड सभी का एक ये आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो कार्ड है वो आपका बन जाए और उसके अंतर्गत फिर यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ये सुविधा लाई जा रही है। इससे जुड़ी जानकारी और भी जैसे ही आपके आती है आपको वहाँ पर अपडेट दिया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें जिससे सभी को इसका डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए जो हमने आपको बताया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।